हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नॉवल। वैसे तो नॉवल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ मेजर टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि नॉवल होती क्या है। नॉवल एक लॉन्ग स्टोरी होती है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स और इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट स्टार्ट हो जाता है, तो नॉवल एक चेन ऑफ इवेंट्स होती है और ये जनरली फिक्शनल होती है। यह रियल इवेंट से इंस्पायर हो सकती है, लेकिन उसे फिक्शनल वे में लिखा जाता है। मींस राइटर अपनी इमेजिनेटिव पावर यूज़ करके नॉवल की स्टोरी को लिखता है। नॉवल में 50,000 से भी ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो अब हम इसके टाइप्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो नॉवल की पहली टाइप है रोमांटिक नॉवल। तो रोमांटिक नॉवल मेनली टू पर्सन्स की रिलेशनशिप और उनके लव रोमांस पे फोकस करती है। जेन ऑस्टन की नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड विलियम शेक्सपियर की नॉवल रोमियो जूलियट रोमांटिक नॉवल की बेस्ट एग्जांपल है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवल इज़ गॉथिक नॉवल। गॉथिक का मीनिंग होता है रूड, बार्बरस और जो डार्क एजेस को बिलोंग करता हो। सो गॉथिक नॉवल में बेसिकली हॉरर, फियर, डेथ, डिके, हॉन्टेड प्लेसेस, कर्स, वैम्पायर, घोस्ट और इसके जैसे कई और एलिमेंट्स होते हैं, और इसके साथ ही पावरफुल लव, मैडनेस जैसी चीज़ें भी इसमें बताई होती हैं। एमिली ब्रंटे की नॉवल वदरिंग हाइट्स एंड हॉरिस वॉलपोल की द कैसल ऑफ द ओटरेंटो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। सो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवल इज एपिस्टोलरी नॉवल। तो गाइज, अपिस्टलरी वर्ड बना है वर्ड अपिसल से, जिसका मीनिंग होता है लेटर। तो अपिस्टलरी नॉवल्स लिखी जाती हैं लेटर्स की फॉर्म में, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को लेटर्स लिखकर अपनी स्टोरी बताता है। सैमुअल रिचर्डसन की नॉवल पैमेला, मैरी शेली की फ्रैंकेंस्टीन और एलिस वॉकर की नॉवल द कलर पर्पल कुछ फेमस अपिस्टलरी नॉवल्स हैं। तो नॉवल की अगली टाइप है हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवेल्स की सेटिंग हिस्ट्री की एक पर्टिकुलर एरा और एक पर्टिकुलर पीरियड में रखी जाती है, और हमें बताया जाता है कि उस टाइम की कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल, नॉर्म्स, वैल्यूज़ कैसी थी। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है फिलिपा ग्रेगोरी की नॉवल द कॉन्स्टेंट प्रिंसेस। हिस्टोरिकल नॉवेल्स के बाद आती हैं एलिगोरिकल नॉवल। सबसे पहले हम एलिगरी का मीनिंग जान लेते हैं। एलिगरी का मीनिंग होता है एक कोई भी सिंबल। सिंबल कोई भी हो सकता है, चाहे कोई इवेंट हो सकता है, चाहे कोई पिक्चर, कोई स्टोरी, और उस सिंबल से कोई भी आइडिया, कोई प्रिंसिपल या कोई मॉरल को रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिगोरिकल नॉवल की बेस्ट एग्जाम्पल है जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल एनिमल्स फार्म। उस नॉवल में जब एनिमल्स अपने ऑनर के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं, तो वो सिंबलाइज करते हैं रशियन रेवोल्यूशन को। इसी तरह विलियम गोल्डिंग की नॉवल द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज भी एक एलिगोरिकल नॉवल है। देन आवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नॉवल इज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल्स में राइटर ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताए होते हैं, अपनी स्टोरी बताई होती है, बट उसमें फिक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी उनकी लाइफ पे बेस्ड नहीं होती है, इसके साथ उनकी कुछ इमेजिनेशन भी होती है। चार्ल्स डिकेंस की डेविड कॉपरफील्ड और जेम जॉयस की नॉवल अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन भी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल्स हैं। उसके बाद आती हैं रीजनल नॉवल्स। तो रीजनल नॉवल के नाम से ही हमें पता चलता है कि ये एक पर्टिकुलर रीजन की नॉवल होती हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया की, उस एरिया के कस्टम, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया होता है। तो नॉवल की अगली टाइप है साइंस फिक्शन। इस टाइप की नॉवल्स में साइंस, टेक्नोलॉजी, टाइम ट्रैवल, स्पेस और इन जैसे कॉन्सेप्ट्स को इमेजिनेशन के साथ जोड़कर एक स्टोरी लिखी जाती है। साइंस फिक्शन से ये हिंट दिया जाता है कि फ्यूचर में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एच जी वेल्स की नॉवल द टाइम मशीन और मैरी शेली की फ्रैंकेंस्टीन, ये साइंस फिक्शन नॉवल में आती हैं। तो नॉवल की नेक्स्ट टाइप है पिकरास्क नॉवल। तो गाइस, जनरली हम जो नॉवल्स पढ़ते हैं उसमें हमारा जो हीरो होता है वो हाई क्लास को बिलोंग करता होता है, लेकिन पिकरास्क नॉवल में हीरो लो स्ट्रेटा से बिलोंग करता है और उस हीरो की लाइफ के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में बताया गया होता है। पिकरास्क नॉवल में कॉमिक और सटायरिस्ट एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। हेनरी फील्डिंग्स की नॉवल टॉम जॉन्स और जोसेफ एंड्रयूज़ दोनों ही पिकरास्क नॉवल हैं। इन दोनों नॉवल्स के जो हीरोज़ हैं वो लो क्लास को बिलोंग करते हैं और इन नॉवल्स में उनके स्ट्रगल को बताया गया है। तो आगे आती हैं सटायरिकल नॉवल।
की नॉवेल्स में सोसाइटी के किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ट्रेडिशन को, किसी कस्टम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है ताकि लोगों की ओपिनियन इसके बारे में चेंज हो सके। वैसे हर एक नॉवल में सटायरिकल एलिमेंट्स होते ही हैं, फिर भी आप चार्ल्स डिकेंस की नॉवल हार्ड टाइम्स की एग्जांपल ले लीजिए, जिसमें उन्होंने कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी और तब के एजुकेशनल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया है। सो आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवल इज बिल्डिंग्स रमन। इस टाइप्स की नॉवल में जो प्रोटैगनिस्ट होता है, मीन्स मेन कैरेक्टर, उसकी डेवलपमेंट दिखाई गई होती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी और एडल्टहुड। जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट दिखाई गई होती है। शार्लोट ब्रॉन्टे की जेन आयर और जीन रीस की वाइट सरोगेसी इस कैटेगरी में आती हैं। तो गाइज, इसके बाद आती है नॉवेला। नॉवेला नॉवल से थोड़ी छोटी होती है और इसका प्लॉट भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इसमें 20,000 से लेके 40,000 तक वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल्स फार्म और वोल्टेयर की कैंडिड भी नॉवेला हैं। तो गाइज, ये थी मेजर टाइप्स ऑफ नॉवल्स। हमने यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स होती हैं नॉवल्स की, वो कवर कर ली हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टेक केयर गाइज, बाय बाय।